और आगे जाएंगे अपन। Hey guys, welcome back to my vlogging channel where I show you the best BTS clips of my daily life within minutes. तो आज जैसे ही मैं उठा, मम्मी ने मुझसे बोला, आज तेरा व्रत है, and I was like, व्रत है? मतलब पहला नवरात्रा रखते हैं तो आखिरी भी रखना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है। चलो कोई नहीं, व्रत रखना भी चाहिए, अपने पेट को भी शांति मिलनी चाहिए थोड़ी सी, हमेशा सिर्फ ठूसना ही नहीं चाहिए। वैसे भी मैं दिन भर बाहर का खाता हूँ तो आज मैं ऑफिस के लिए थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, इसीलिए फटाफट गाड़ी निकालते हैं और निकलते हैं ऑफिस के लिए। सच में हमारा दिन बहुत हेक्टिक है, लिटरली हमारे पास 12 अकाउंट्स के काम है हम सबके मिला के। लेकिन जरा टाइम देखिए, 1:30 बज रहे हैं। तो सबसे पहले खाना खाएंगे, कर दो लैपटॉप बंद, खाना खाएंगे। तो भैया मेरे तो फास्ट है, मैं तो खिचड़ी लाया हूँ और खिचड़ी तो पहले वाले ब्लॉग में खाई थी ना तुमने। चिप्स कहाँ खाई थी, आप भी तो लाओ टिफिन। तो ये मेरे लिए नमकीन लाए क्योंकि मेरा आज व्रत था। चार बजने वाली है, 4 बजे तक ना यार ऐसा लगता है बस हो गया काम, घर जाने में। और ये देखो, इस रोड को पूरे 10 महीने हो गए लेकिन ये अभी तक बन ही रहा है। तो अभी मैं नीचे गया था कुछ छोटा मोटा खाने, फिर एकदम से मुझे याद आया कि यार आज तो मेरा फास्ट है, फिर यही बोल के मैं दुकानदार को वापस ऑफिस में आ गया। चलो हो गया काम, बंद करते हैं अब। चल रहे ना शूज देखने? ये हमने रख लिया लैपटॉप और ये रख लिया बाकी सामान। हाँ हाँ भाई बंद कर दो यार, घर चलेंगे। ओ भाई 2 मिनट में लास्ट लिस्ट है, 2 मिनट में हो जाएगा। लास्ट लिस्ट दिन की कौन सी लिस्टिंग चल रही है ये? 2 मिनट में हो जाएगा यार, 2 मिनट में हुआ ना पार्टी चावे, देख लो यहाँ पे 3 दिन भुक्कड़ है हम यहाँ पे। अरे यार मेरे तो व्रत है, कल देना, कल लेंगे पार्टी, आज नहीं लेंगे क्या? टाइम स्टार्ट करो पहले, कहीं का टाइम स्टार्ट करो, 2 मिनट में होता ही नहीं होता, 1.5 मिनट तो हो ही गए, जल्दी से बंद करो चलना है। फॉर्मल में चाहिए ना आपको वो रे। तेरा भी आ जाएगा इसमें तो, इसमें तो दो पाँव आए हैं। हम टीवी में आ रहे हैं, देखिए पा रहे थे कंस्ट्रक्शंस, हम ब्लॉगिंग के अलावा ये काम भी करते हैं। किसी के घर में कंस्ट्रक्शन का वर्क हो तो हमसे संपर्क करें, 2 गुना महंगा ही देंगे। व्हाट इज दिस? ठीक है मैं जा रहा हूँ अब। गेट खोल दो भाई। कहाँ जा रहा है तू? तू कहाँ जा रहा है? तुझे गरबा खेलना आता है? गरबा खेलना आता है तुझे? सही बता। देखो मम्मी ने मुझसे कहा था व्रत कर ले, रात में दाल बाटी खिला दूंगी, और जब घर पे आया तो मम्मी ने बोला जा नमकीन लिया, आलू के पराठे रेडी है। ये क्या बात हुई भाई? चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आलू के पराठे भी अच्छे ही लगते हैं। तो गाइस अभी मैंने पेट भर के खाना खा लिया है और मैं अभी रील स्क्रॉल कर ही रहा था कि मुझे किसी की स्टोरी दिखी दशहरे मैदान की, जहां मैंने देखा कि रावण अभी तक पूरा बना नहीं है। तो मैंने फटाफट मनन और पारितोष को फोन लगाया कि चलो चलते हैं व्लॉग बना के आते हैं, तो चलते हैं वहां पे। चलो भैया चलते हैं। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और देखो रामपुरा में क्या हो रहा है। अगर ये क्लिप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अब हम जा रहे हैं फाइनली रावण देखने। भाई एंट्री पॉइंट पे इतनी भीड़ है, अंदर कैसे जाएंगे अपन? देखो कितनी भीड़ है।
भाई आ गई सवारी, वो एक भी नहीं आ। बैठ 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 बैठ, ऊपर चलते हैं। ये बढ़िया है, आज ही जला दे रहा हूं उनको। गाइस देखो हमारे लिए कितना अच्छा प्रबंध किया गया है, देखो सब खाली है, सिर्फ हमारे लिए किया गया। ये देख, लड़ गए भाई, लड़ गए कुर्सी के लिए, लड़ गए। अट अट अट, मैं जाऊंगा। देखो जरा क्या मस्त लग रहा है। आगे चले, चल आगे चले, उठ। फोटोग्राफर अल्ट्रा प्रो मैक्स। देखो भाई रावण इधर है, हंसी की आवाज इधर से आ रही है, पता नहीं कहाँ से। अच्छा सर्कस चल रहा है उधर, सर्कस। सर्कस में ऐसे थोड़ी हंसते हैं। हाँ पता भाई किसको लाए। और आगे जाएंगे अपन। आजा आजा भाई, एक तो पुलिस आया अपन को भगाए। भाई गिर नहीं जाऊं। देखो भाई रावण, पास से तो बढ़िया लग रहा है, लग ही रहा है भाई, यहाँ से तो और अच्छा लग रहा है। देखो गाइस एक रावण ये रहा, सॉरी रावण तो ये है, ये मेघनाथ है, ये मेघनाथ है ना, और ये कुंभकर्ण है। देखो भाई कितने छोटे छोटे लग रहे हैं सब इनके सामने। देखो जरा भीड़ देखो यहाँ की। देख लिया रावण, अब आगे जा रहे हैं। देख लिया भाई मेला, देखो कितनी भयंकर भीड़ है, लाइटिंग देखो जरा क्या बोलता है भाई। तो चलो अब बस निकलते हैं मेले से, हो गया अपना काम। तो अभी मैं घर पहुंच चुका हूं और मुझे एकदम से याद आया कि मैंने मेले में पॉपकॉर्न खा लिए और आज मेरा फास्ट था, इसलिए मैं कभी व्रत रखना ही नहीं चाहता। खैर जो हो गया सो हो गया, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आप सब लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, नहीं भी लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय बाय। तू बस एक्सीडेंट मत कराना। जा तो रहे यार। अबे